आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में, जिसका शॉर्टकट नाम है जीसीएस। जीसीएस होता क्या है? जो ग्लासगो कोमा स्केल है वो फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1974 में। कब पहली बार पब्लिश हुआ था? तो 1974 में। किसके द्वारा? दो न्यूरो सर्जन प्रोफेसर थे, एक थे ग्राहम और दूसरा थे बारियान। इन दोनों ने मिलकर ग्लासगो कोमा स्केल की खोज की थी। ग्लासगो कोमा स्केल को हम न्यूरोलॉजिकल चार्टिंग के नाम से भी जानते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल ऑल्सो नोन है न्यूरोलॉजिकल चार्टिंग के नाम से। जो ग्लासगो कोमा स्केल है ये एक क्लिनिकल स्केल है। इसका मेनली यूज हम करते हैं आईसीयू के अंदर करते हैं। इसके अंदर पर्सन का जो है लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस क्या है, मतलब पर्सन कितना अवेयर है टाइम पर्सन प्लेस के अकॉर्डिंग, वो हम चेक करते हैं। मेनली ब्रेन इंजरी के केस में या कोई ब्रेन ट्रॉमा हुआ हो तो। इसके लिए जो हम असेसमेंट करते हैं वो हम तीन फेज में करते हैं। पहला करते हैं हम आई ओपनिंग रेस्पॉन्स, दूसरा करते हैं हम वर्बल रेस्पॉन्स और तीसरा करते हैं हम मोटर रेस्पॉन्स। टोटल जो हम रेस्पॉन्स चेक करते हैं वो हम 15 देते हैं, जो हाइएस्ट मार्किंग है, और जो मिनिमम मार्किंग होता है इसके अंदर वो हम 3 देते हैं। आई ओपनिंग रेस्पॉन्स जो है हम 4 देते हैं, और जो वर्बल रेस्पॉन्स है वो हम 5 देते हैं, जो हाइएस्ट मार्किंग है, और जो मोटर रेस्पॉन्स में हाइएस्ट मार्किंग है वो हम 6 देते हैं। पहले हम बात करते हैं आई ओपनिंग रेस्पॉन्स कि आई ओपनिंग रेस्पॉन्स में हम क्या चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस लेवल। यदि कोई पेशेंट स्पॉन्टेनियस है तो उसे हम 4 पॉइंट देते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि जैसे ही मैं पेशेंट के पास आया तो पेशेंट जाग गया। अच्छा, वो आँख खोल दिया, जैसे कोई मॉनिटर ने अलार्म दिया वो आँख खोल दिया, दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस। टू पेन, दूसरा पॉइंट क्या है? टू पेन। यदि पेशेंट को हम सॉरी टू वॉइस, दूसरा पॉइंट कौन सा है? वॉइस। यदि पेशेंट वॉइस के अकॉर्डिंग बोले, जैसे मैंने बोला पेशेंट का नाम लेकर हेलो, तब वो बोल रहा है, मतलब वॉइस पे स्टिमुलेट कर रहा है, तो हम उसको हम 3 देंगे। यदि कोई पेशेंट पेन पे करे, यदि मैंने उसको पेन दिया, स्टिमुलाई दी, यानी मतलब मैंने उसकी पीठ थपथपाई जब वो आँख खोल रहा है, या उसकी उंगली दबाई जब वो आँख खोल रहा है, तो उसे हम 2 देंगे। यदि पेशेंट नो रिस्पॉन्स, मतलब पेन की स्टिमुलाई पे भी कोई रेस्पॉन्स नहीं देता, तो हम 1 देते हैं। 0 इसके अंदर हम कभी नहीं देते हैं। दूसरा हम देखते हैं वेस्ट वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स में क्या देखते हैं? पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं। ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि जैसे ही उससे मैंने नाम पूछा उसने अपना नाम बता दिया, उससे मैंने पूछा दिन है या रात है उसने ये बता दिया, अभी आपने क्या खाना खाया उसने बता दिया, मतलब वो अवेयर है एट द टाइम एट द सिचुएशन, तो उसे हम 5 पॉइंट देंगे। दूसरा हम देखते हैं कि कन्फ्यूज, जैसे मैंने उससे पूछा कि अपना नाम बताओ, उसने अपना नाम बता दिया, क्योंकि मैंने पूछा आपने क्या खाया रात को, वो बता नहीं पाता, कन्फ्यूज कि रात को मैंने रोटी चावल ऐसे सोचने लग जाता है, कन्फ्यूज रहता है। मैंने उससे पूछा अगेन दिन है या रात है, तभी तो बोलता है दिन है, फिर बोलता है नहीं नहीं अभी रात है, दैट मीन्स वो कन्फ्यूज है, तो हम उसे 4 मार्किंग देते हैं। तीसरी पॉइंट आते हैं इन अप्रोप्रिएट वर्ड। इन अप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब होता है वो बोल तो रहा है लेकिन पर्याप्त नहीं है। जैसे कि मैंने पूछा उससे कि आपका नाम क्या है, तो वो क्या बोलते हैं कि मैंने रात को सब्जी खाया था, रोटी खाया था, ये मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, मतलब मैंने तो उससे नाम पूछा लेकिन वो दूसरा उत्तर दे रहा है, दैट मीन्स इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, वो पर्याप्त आंसर नहीं दे रहा है, तो उसे हम 3 मार्क्स देते हैं। चौथा आता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड। इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड का मतलब होता है पेशेंट बोल तो रहा है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि वो वैसे बोल रहा है हाँ 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 मतलब हकला रहा है बोलने में, वो क्या बोल रहा है ना हमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है, वो बोलेगा विक्रम, ऐसे बोलता है, मतलब समझ में नहीं आता है, डैट मीन्स उसको हम 2 मार्क्स देंगे। यदि पेशेंट कुछ भी नहीं बोल रहा है तो उसे हम 1 मार्क्स देते हैं। जो तीसरा हम चेक करते हैं वो हम चेक करते हैं बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स। बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स के अंदर हम सबसे पहला जो चेक करते हैं ओवे कमांड, कि मैंने जो उसको कमांड दिया क्या वो उसे फॉलो कर पा रहा है। मोटर का मतलब होता है बॉडी मूवमेंट, जैसे मैंने बोला वैसे अकॉर्डिंग से वो बॉडी मूवमेंट्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने उसको बोला हाथ उठाओ, उसने हाथ उठाया, मैंने बोला इसको गर्दन घुमाओ, वो गर्दन घुमाता है, मतलब मेरी कमांड पर कर रहा है काम, पैर उठाओ पैर उठा रहा है, उठ के बैठ जाओ बैठ गया, मेरी कमांड को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स 6 मार्क देंगे। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं लोकेलाइज पेन, जैसे मैंने उसके हाथ को पेन दिया जब वो आँख खोल रहा है, दैट मीन्स लोकेलाइज एरिया में पेन पर दे रहा है, तो 5 पॉइंट हम देंगे। विड्रॉ, तीसरा पॉइंट कौन सा आता है? विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब क्या होता है? कोशिश तो कर रहा है, मतलब जैसे उसने हाथ उठाने की कोशिश तो की लेकिन फिर वो सो जाता है, तो उसे हम 4 मार्क्स देंगे। फ्लेक्शन, जैसे मैंने उसको पेन दिया या मैंने उसको बोला हाथ मोड़ो, तो वो पेन को मोड़ता है किसकी ओर? टुवार्ड्स द
बॉडी, वो हाथ को मोड़ता है या पैर को, जो भी मैंने जो बॉडी पार्ट्स बताया उस पे काम करता है, और अपने बॉडी के साइड वो फ्लेक्शन करता है, तो उसे हम 3 मार्क्स देते हैं। जो पांचवा पॉइंट हम चेक करते हैं, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है डिकोरवेट पोस्चरिंग, मतलब पेन के रेस्पॉन्स में जो है वो आउटवर्ड्स ले जाएगा अपने हैंड को। जैसे मैंने उसके हैंड पे पेन किया तो पेन के रेस्पॉन्स किधर ले जाएगा, आउटवर्ड्स, बॉडी से दूर ले जाएगा, तो उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। सेम इसी तरह से आप फ्लेक्शन, फ्लेक्शन में वो क्या करता है, जैसे मैंने पेन दिया तो बॉडी के पास लाएगा तो फ्लेक्शन है, और यदि बॉडी से दूर ले जाए तो एक्सटेंशन है। जो बॉडी के फ्लेक्शन करेगा तो 3 देंगे, और यदि एक्सटेंशन करता है तो उसे हम 2 देते हैं, यदि कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसे हम 1 मार्क्स देते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट जो फीचर है जीसीएस के, उसके बारे में, मतलब कि टोटल जीसीएस का स्कोर कितना होता है। 15 जो है टोटल जीसीएस का स्कोर होते हैं। जो पेशेंट ग्लास्को कोमा स्केल में जिसका स्कोरिंग 8 या उससे कम आ रहा है वो कंसीडर किया जाता है सीवियर हेड इंजरी में, या तो 8 हो या 8 से कम हो उसे हम सीवियर हेड इंजरी में काउंट करते हैं। यदि किसी पेशेंट का जो ग्लास्को कोमा स्केल है 3 तो लोवेस्ट है पॉसिबल, यदि उसका 3 आता है तो उसे हम कोमा में उस टाइम के लिए जो है हम काउंट करते हैं। एक्सट्रीमली जो होती है, जिस पेशेंट की जीसीएस 3 होती है उसका एक्सट्रीमली हाई मोर्टिलिटी रेट रहती है, मतलब जिस पेशेंट का 3 आ रहा है पॉइंट ग्लास्को कोमा स्केल में, वो एक्सट्रीमली हाई मोर्टिलिटी रेट होती है। थैंक यू।